चाचा जी बोलिए क्या बात है। अरे बहुत इस समय एक यादव है ना, बहुत ज्यादा वो बहस रहा है। तो बताइए। एक पासवान है वो भी बहुत बहस रहा है, चमार है वो भी बहुत बहस रहा है। तो बताइए उसके और बारे में। क्या अब हम लोग अपनी जात लेके ना आए कि विश्वकर्मा क्या है? मैं तो बताइए भाई क्या कहानी बोले है, कहानी कुछ सुनाइए इसमें। आप बताइए। एक लुहार भी एक विश्वकर्मा है जी, एक कारपेंटर वाला भी एक विश्वकर्मा है, तो उसका डायलॉग क्या होता है बताइए। लोग बोलते हैं जैसे मान लिया कि सौ चोट सुधार का होता है, लोहार का होता है। फिर तो जैसे कि अब जब एक लोहार का हो गया, एक कारपेंटर का हो गया, तो कोई टिकेगा आगे? नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा। तो जितने भी एक यादव है ना, ज्यादा वो बहस रहे। कौन सा यादव? अरे राजेश नाम है उसका, बताइए उसको मुझको। बहुत ज्यादा बहस रहे हैं, क्या करे क्या जाए। राम राम ठाकुर साहब, राम राम ठाकुर साहब, क्या यहाँ पे बातचीत हो रही है? अरे आपस में कुछ बात कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ कुछ जातवाद से बात कर रहे हैं, जातवादी में। हाँ जात के बारे में हो रही है। तो क्या यादव जात बहुत खराब इंसान होते हैं क्या? यादव? हाँ यादव। अरे खराब की बात नहीं है भाई, पर क्यों खराब है? बारे में मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने जात पात में जो उतर रहे हैं कि हम ये जात के हैं, हम ये जात के हैं, जात पात यहीं पे बनाया गया है ना चाचा, कि कहीं दूसरी जगह पे बनाया गया है। तो ये बताइए जैसे यादव हो, हम लोग विश्वकर्मा है, तुम भी विश्वकर्मा हो, लेकिन यादव का पावर ऊंचा होता है। ऊंचा कैसे हो गया यादव का पावर? जात यहीं पर बनाई गई है, जात यहीं पे बनाई गई है आदमी। अब जैसे क्या बोले हैं, सिर्फ चार ही जातियों के बारे में बताई गई है। अच्छा कौन सी जात के बारे में बताई गई है? चार जात होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू में तो हम लोग यादव विश्वकर्मा सब लोग आते हैं ना? हाँ। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। अब रंग हिंदू तो एक ही हिंदू। चाचा उठिए जरा, धर्म दिखलाने की। हिंदू धर्म जो है उसमें सब लोग एक ही जात के आते हैं, ठीक है। और अगर हमारे शरीर से ये हाथ कटोगे भी खून एक ही निकलेगा, खाली जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के इंसान हैं, वो लोग खाली इसमें विवाद कर रहे हैं। मैं तो सिख हूँ, मैं तो किसाई हूँ, या मैं गोरिया हूँ, या कोई भी इंसान है जात वाला, तो अपना अपना जात तो सभी लोग भाई अपने अपने जात का सब लोग कार्य करेंगे ना। तो जब आप मेरी बात सुनिए, जब वो लोग अपने जात पे आ रहे हैं और हम लोग विश्वकर्मा है, कभी हम अपने जात पे नहीं उतरे, लेकिन आज मैं भी अपने जात पे उतर रहे हैं। अच्छा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, द विश्वकर्मा पुत्र जिंदाबाद, द विश्वकर्मा पुत्र जिंदाबाद, द विश्वकर्मा पुत्र जिंदाबाद। तुमको पता नहीं है यादव जी कौन है, क्या ब्रांड है यादव जी का? अभी पता चल जाएगा तुम लोग को। हम लोग का वैसे ही जात हुआ है, बात वैसे ही लंबा है। जात वैसे ही ऊंचा, तो फायदा क्या अपने जात पर? कोई जरूर नहीं अपने जात पर दिखाओ कि हम फलाने हो ढमकाने हो, कोई अच्छी बात नहीं है। बताइए चाचा गलत है कि सही है? बात सही है, सर से भी नहीं मानते क्या बताया? क्या हुआ? कौन सा यादव? राजेश, राजेश यादव। ज्यादा आकर दिखा रहे हो, घास काटने गए थे, उन्होंने मारा है। और क्या बोले हैं? दबंगई दिखा रहे हैं क्या? अपने ब्रांड पहचान रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे ब्रांड होती है विश्वकर्मा की। भाई जाके पता लगाओ, पता लगाओ कहाँ पे है यादव, राजेश यादव का नाम पता लगाओ, कौन है राजेश यादव? भैया यादव जी का खतरा तो फूल, कहाँ है यादव? यादव भी तो हमें मालूम नहीं, यहाँ कहाँ गया है टावर टोला। तू क्या हो? मैं विश्वकर्मा वहाँ के चेला। अरे भैया विश्वकर्मा वहाँ के चेला हो? हाँ। बोलो क्या बात है? इधर है वो यादव। अरे यादव गए कहीं तक, चले गए हैं, वह यहाँ गए हैं टहरत गए, टहर यहाँ गया है। अच्छा हाँ, अब हम जाए कहाँ गए हैं? हम खतवा रखाई थे, तो हमसे कहना खतवा रखा हुआ हो, तो मैंने बैठे रहे ना, कि कोई घास वास काटे है तो काटे ना दी हो मैंने। अच्छा हाँ, तो ये सब रखाई थे। अब भैया बता दो भैया गए
अरे क्या हो गया भाई? यादव जी भाग जाओ। काहे विश्वकर्मा जी ढोड़ा था तो का। कौन है विश्वकर्मा जी? अरे जी का मारे रहे हो वही विश्वकर्मा। हाँ। आदमी भेजे ना तो वो का करेगा विश्वकर्मा यहाँ आके? भैया हम ना जाते मारे तो झोड़े अलग। अरे उसकी ऐसी तैसी विश्वकर्मा की आने दे उसको। वो कई बहुत अकड़ है भैया भाग जा। क्या अकड़ है उसको बुला, हम अभी अकड़ देखते हैं क्या अकड़ है उसकी। अब भाई तो बताओ हम फजर हम बता तो ठीक है। आने दो विश्वकर्मा को, अभी हम देखते हैं कौन है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की ऐसी तैसी, आने दो विश्वकर्मा को। हमारे खेत में जब नुकसान होता है तब विश्वकर्मा नहीं आता है। ठीक है आने दो विश्वकर्मा को, आने दो। आओ सुन बेटे राज चल मारा, हम विश्वकर्मा के वंश अंत कर देंगे थारा। हा एरिये में सुन बेटे राज चल मारा, हम विश्वकर्मा के वंश अंत कर दे। क्यों हम यादव हैं तो हमको घमंड रहेगा ही। यादव सबसे आगे लेवल पे है। यादव आगे लेवल पे? हाँ यादव का लेवल आगे है, पूरे भारत में चल दोबारा इन लोग को मिलने दो। अभी फैसला कर लेते हैं। ठीक है करो, अभी फैसला दिखाते हैं। फैसला कर लेते हैं, शांति से काम लो, शांति से काम लो। क्या फैसला कर लेते हैं यादव जी का? क्या फैसला करोगे? करो फैसला। अभी मैं चाहूँ तो अभी मैं टंगवा लूँ। हाँ कैसे? चलो जाओ पढ़ो। नहीं 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 सुनो सर, सोचने से पहले बाद में सोचा भी जाएगा, बाद में प्लान बनेगा। अरे नहीं चाचा ऐसी बात नहीं। यादव वाले बहुत बहुत ऐसी बात नहीं भाई, बैठा जाए राय मशवरा किया जाए, क्या हो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अचानक अचानक मिलना गलत चीज है ना किसी इंसान से। तो कितना घमंड है दिखा रहा है बंदा। घमंड नहीं, घमंड की बात नहीं है। मैं बाद में बताएंगे उसको, सोचे समझेंगे कैसे क्या मामला है, क्या मामला नहीं मामला है, गलती है या हाँ या नहीं गलती है। चलो ठीक है, क्या छोड़ देता हूँ इनको भी समझाने। हमारे खेत में दो बालक गए थे घास काट रहे थे, हमारा गन्ना तोड़ दिया है, अब हम बताओ क्या करें? बताओ। अरे यादव का बरान देता है बड़ा, दो गन्ना के लिए छक रहे हो। अब क्या तुम हमारी बराबरी करोगे? तो बालक को बोलो कि क्यों नुकसान कर रहे हैं जाके गन्ने में। अब तुम्हारा धोखा है कितना लोगे? क्या धोखा? दो गन्ने का कितना कीमत लोगे? दो गन्ना नहीं, दो बीघा गन्ना काट दिया है उन्होंने। ये तो सरासर झूठ बोले। पकड़ो, चलो हम दिखा दे रहे हैं। दिखाएंगे तुमको। चाचा आप ही बताइए, बस आप ही की वजह से मैं शांत हो जा रहा हूँ। बाद में कोई बात सोचा समझा जाएगा, राय मशवरा होगा। चलिए ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है ठीक है, ऐसा बताऊँ। यादव जिंदाबाद, विश्वकर्मा जिंदाबाद। तू यादव बात करते हो? पकड़ के लाओ इसको। कौन आ रहे, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। पता नहीं है, आने दो फिर दिखाता हूँ मैं यादव का पावर क्या होता है। आने दो। आ गए तुम लोग फिर दोबारा, क्या करने आते हो बार बार? अभी तुम्हें ने तो कहा कि यादव की पावर क्या होती है, मैं दिखाता हूँ। हाँ यादव की क्या पावर होती है तुम लोग को पता नहीं है, बार बार आते क्या हो पावर दिखा। क्या पावर होती है? क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे? अच्छा तुम मेरा कमाओ। इधर आओ। चलो भैया ठीक है, तुम लोग का ही पावर बड़ा है बस। ठीक है ठीक है, हम लोग नहीं उतरते हैं। हाँ फिर लेकिन उतरना पड़ा तुम्हारे बात पे, नहीं तो चलो ठीक है, तुम लोग का ही पावर बड़ा है बस। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो विश्वकर्मा जी का नारा लगाओ फिर, तो मैं मानता हूँ। आसानी से कैसे नारा लगाए? चलो ठीक है लगा देते हैं फिर। चलो लगा नारा इसका।
विश्वकर्मा की जय, विश्वकर्मा की जय, विश्वकर्मा की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का दबन भी दबाइए और हमारे चैनल को थोड़ा ऊंचा करिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और ये जो यादव जी का वो कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन है जो आप लोग हर स्टोरी में देखते हो, इनका नाम है राजेश अलवेला, ये है मौर्या जी और यादव जी का दिखा रहे थे और इसलिए वीडियो में किसी कलाकार के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि जो आजकल ज़्यादातर अपने जातवादी फेस में भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है उसकी वजह से ज़्यादातर और मोहल्ला में और हर जिला में भी बवाल छिड़ने लगा है कि हम पासवान हैं, यादव हैं, विश्वकर्मा हैं, कुछ भी हैं। तो प्लीज़ भाई लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम लोग सब लोग भाई भाई हैं, तो इसके कारण से हम लोग ये स्टोरी किए हैं। और प्लीज़ ये जातिवादी आप लोग हटा दीजिए, जातिवादी पे आप लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान, तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग भाई भाई हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।